सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जिसकी घोषणा हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कर चुके हैं और इसी के तहत संगठन विस्तार का कार्य पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से चला हुआ है। जैसा कि आज आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी देखा, भटियात में आज चंबा जिले में करीब 350 लोगों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में निरंतर जारी है। बीजेपी कांग्रेस की नीतियों से, उनकी विचारधारा से दुखी होकर, उनकी कार्यशैली से दुखी होकर पूरे प्रदेश से जो जनता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बड़े ध्यान से, उनके हर एक कार्य को बड़े बारीकी से देख रही है और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए दिन प्रतिदिन लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी, जिसने अपना संगठन पूरे हिमाचल में खड़ा कर लिया है, अब धरातल पर उतरना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे जो प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा जन विरोधी जो नीतियां बनाई गई हैं उनके विरुद्ध भी आम आदमी पार्टी जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो दिल्ली के मुद्दे हैं वही मैक्सिमम यहाँ पे सेम है, जो हर एक नागरिक की बेसिक जरूरत होती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी मुद्दे रहने वाले हैं, सीमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूँ और हिमाचल के पूरी जनता को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में बिजली बनती है, यहाँ के लोगों को महंगी दी जा रही है और यही बिजली यहाँ से जब दिल्ली पहुँचती है वो 200 यूनिट फ्री हो जाती है। पानी, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से आज भी हमारी कई माताएं बहनें मटका लेकर पानी के लिए खड़ी होती हैं और अखबारों में दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई खबर लगी होती है आपके माध्यम से, एक हफ्ता हो गया पीने के पानी नहीं आया। लेकिन यही पानी जब यहाँ से दिल्ली पहुँचता है तो प्रति परिवार 20,000 लीटर फ्री भी हो जाता है और पूरा पानी मिल रहा है। सीमेंट यहाँ बनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो उसे सफर है